नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक फैक चंदन में। दोस्तों मैं चंदन और दोस्तों यहाँ मैं आज बात करने जा रहा हूँ फ्री स्मार्टफोन और फ्री टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जान ही रहे होंगे कि जिसके भी पास ये मोबाइल मिलने वाली है उसके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है और ये मैसेज कुछ इस टाइप का है कि उसमें लिखा गया कि आपको चयनित किया गया है फ्री स्मार्टफोन और फ्री टैबलेट के लिए। ये वाली जो मैसेज आ रही है मैं यहाँ आपको शो कर दूँगा, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि इस मैसेज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ मैं स्पेशली आज बात करने जा रहा हूँ कि आपके मोबाइल पे अभी तक ये मैसेज क्यों नहीं है और ये मैसेज आपके मोबाइल पे कैसे आ सकता है, इन्हीं सब के बारे में आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा इसके। तो चलिए इस तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मुझे चयनित किया गया है फ्री स्मार्टफोन और फ्री टैबलेट के लिए। मेरे पास ये फिलहाल मैसेज आ भी चुका और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि आपको चयनित किया गया फ्री स्मार्टफोन और फ्री टैबलेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको ये मैसेज नहीं आया तो आप ये कैसे मैसेज चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल पे आया है कि नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ में सबसे पहले जो सबसे बड़ी रीज़न है कि आपके मोबाइल पे मैसेज क्यों नहीं आया, तो इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है ये रीज़न ये है कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर आपने अपने कॉलेज में दिया हुआ है। अरे जब आपने पहली बार एडमिशन कराया तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा सबसे पहले एडमिशन कराते टाइम उसी मोबाइल पर आपको ये मैसेज आया होगा। तो दोस्तों यहाँ को सबसे पहली जो बात है ये है कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपने अपने कॉलेज में कौन सा नंबर दिया है, तो उसी तरीके से आप ये मैसेज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ काफ़ी लोगों को यही प्रॉब्लम हो रही थी कि उनके मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा था। तो ये जो मैसेज है ये मैसेज उन्हीं के मोबाइल पर आ रहा है जो आपने सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन कराते टाइम जो नंबर दिया था उसी मोबाइल पे फिलहाल ये मैसेज आ रहा है और ये मैसेज आने के बाद तभी आपको चयनित किया जाएगा फ्री स्मार्टफोन और फ्री टैबलेट के लिए। और चलिए इसको आगे चेक कर लेते हैं कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से नंबर दिया हुआ है अपने फर्स्ट टाइम कॉलेज में एडमिशन करते टाइम। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की। मैं फ़िलहाल पढ़ता हूँ जननायक यूनिवर्सिटी में जो कि बलिया में। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ आपको जननायक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पर ले जाकर दिखाता हूँ और यहाँ मैं उस वेबसाइट पर दिखाऊँगा कि मैंने कौन सा नंबर दिया हुआ है और ऐसे ही करके आप भी अपने मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हैं और उस मोबाइल नंबर पर जाके अपने इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं कि आपको मैसेज अभी तक आया है कि नहीं आया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ फिलहाल गूगल पे और गूगल पे यहाँ आपको अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी। जैसे कि मैं जननायक यूनिवर्सिटी का हूँ तो मैं जननायक का सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि आप ये है जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी और यहाँ मैं चलिए इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी फ़िलहाल खुल चुकी है और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। तो ऐसे करके आपको भी सबसे पहले अपनी जो भी यूनिवर्सिटी होगी वो आपको यहाँ खोल लेनी है और ये खोल लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ आपको स्टूडेंट कॉर्नर खोजना पड़ेगा या स्टूडेंट लॉगिन। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ दिए गए स्टूडेंट लॉगिन, टीचर रजिस्ट्रेशन, टीचर्स लॉगिन। तो ऐसे करके आपको स्टूडेंट लॉगिन या स्टूडेंट कॉर्नर खोजना होगा। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से आप अपनी पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर देकर। चलिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ वेरीफाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है स्टूडेंट लॉगिन में और यहाँ स्टूडेंट लॉगिन के जरिए आप अपनी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी कौन सी मोबाइल नंबर थी और आपके क्या क्या आधार नंबर है, मतलब आपकी जो भी डिटेल्स होगी, जो भी डिटेल्स आपने कॉलेज में दिया हुआ या यूनिवर्सिटी में दिया होगा वो पूरी डिटेल्स यहाँ से निकल सकती है। तो चलिए मैं यहाँ सबसे पहले अपनी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपकी जो भी बेसिक डिटेल होगी आपकी वेबसाइट्स पे यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो आपको बेसिक डिटेल्स फिल कर लेनी है और फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मेरा फिलहाल लॉगिन हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ मेरी पूरी डिटेल आ चुकी है कि मेरी क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है और मेरी कौन सी क्लास की है और यहाँ मेरी कौन सी क्या आधार नंबर, कास्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि पूरी जितनी भी डिटेल्स होती है पर्सनल डिटेल्स वो पूरी आगे जो मैंने कॉलेज में दिया था वो पूरी डिटेल्स आगे। और यहाँ यदि आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है कि मोबाइल नंबर। तो यहाँ आपकी जो भी मोबाइल नंबर रहेगी उसी मोबाइल नंबर पर आपका मैसेज आएगा। तो यहाँ से आप ऐसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपकी
कौन से मोबाइल नंबर पे मैसेज गया होगा। तो यदि आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज गया होगा तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं कि आपको स्मार्टफोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ कि यदि आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं है तो भी उतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। कई सारी ऐसी ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो कि डायरेक्ट लिस्ट भेज रही है स्टूडेंट के पास, और उसी लिस्ट के द्वारा आपका भी नाम आ सकता है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आपका आपके मोबाइल पे कोई भी मैसेज नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको डायरेक्ट एक क्या बोल सकते हैं PDF भेजा जाएगा, और उसी PDF में यदि आपका नाम होगा तो आपको मिलेगा टैबलेट या स्मार्टफोन। और दोस्तों यहाँ आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, यदि आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा या नहीं आया होगा तो भी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आप जाके इजीली अपनी अपने आपकी जो भी कॉलेज है वहाँ से जाके पूछ सकते हैं कि आपको कब स्मार्टफोन मिलेगा, और ये आपको नहीं मिला है तो आप जाके कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं और उसके ज़रिए आपको इजीली स्मार्टफोन या आपको टैबलेट मिल सकता है। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो, और ऐसे करके आप भी अपने मतलब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी या जो भी कॉलेज होगी वहाँ आपको स्टूडेंट लॉगिन या स्टूडेंट कॉर्नर करके दिया होगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आपकी यूनिवर्सिटी के पास ये ऑप्शंस नहीं होगी स्टूडेंट लॉगिन या स्टूडेंट कॉर्नर वाला, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको डायरेक्ट एक PDF भेजा जाएगा कॉलेज के द्वारा, और उसी PDF में आपका भी नाम होगा, और उस तरीके से आपको चूज किया जाएगा स्मार्टफोन के लिए। तो दोस्तों यही सारे तरीके थे स्मार्टफोन भेजने के स्टूडेंट के पास। और दोस्तों फिलहाल ये थी हमारी वीडियो में, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब करना भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।